हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद पायल। बारिश का मौसम चालू है तो आज हम बारिश के मौसम में हेल्दी रहने के लिए 10 डूज और डोंट्स यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये देखने वाले हैं। चलो तो फिर आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डूज यानी कि क्या करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें। मॉनसून आने पर सबसे पहले अपनी सेहत और साफ सफाई का ख्याल रखें। हमारे आसपास कई वायरस और बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। ये कमजोर प्रतिरक्षा वालों पर पहले अटैक करते हैं, इसलिए पर्सनल हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी मजबूत करें। जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है उन्हें वायरस बैक्टीरिया जल्दी अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में अपनी रक्षा यानी कि डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सेवन खूब करें। अपने आहार में लहसुन, सब्जियां, फल और अनाज शामिल करें। ग्रीन टी पीने से भी आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। साफ और सूखे कपड़े पहने। आप अगर बारिश में भीग गए हैं तो घर आते ही गीले कपड़े और जूतों को जल्दी से उतार दें। यदि आपके कपड़े और जूते अच्छी तरह से सूखे नहीं हैं तो उन्हें ना पहनें। नम कपड़े और जूते या फिर गंदे कपड़े अक्सर रोगाणुओं के लिए घर बन जाते हैं। बारिश के सीजन में साफ और पूरी तरह से सूखे कपड़े और जूते ही पहनें। घर को साफ रखें। अक्सर बारिश के दिनों में पानी का जमाव हो जाता है। स्थिर पानी मच्छरों के प्रजनन का पसंदीदा जगह होता है। ऐसे में अपने घर और आसपास को साफ और सूखा रखें। बारिश का पानी कहीं भी जमा ना होने दें। उबला हुआ पानी पिए। सड़क के किनारे मिलने वाले जूस की दुकान को देखते ही मन ललच उठता है, लेकिन मानसून के दौरान इस तरह के प्रलोभनों से खुद को बचा कर रखें। जूस की दुकान में इस्तेमाल होने वाला पानी संक्रमित है या नहीं आपको यह पता नहीं होता। इस मौसम में सिर्फ उबला हुआ पानी ही पिए। दूषित पानी यानी कंटामिनेटेड वाटर पीने से आपको वाटरबॉर्न डिसीजेस होने का खतरा बढ़ सकता है। पूरी नींद ले। पर्याप्त नींद ना लेने से आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। कमजोरी महसूस हो सकती है। कम सोने से फ्लू होने की भी संभावना बढ़ जाती है। सुनिश्चित करें कि आप रात को भरपूर नींद लें ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा और सक्रिय महसूस करें। नियमित एक्सरसाइज करें। बारिश के दिनों में हर दिन व्यायाम करने से भी आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। हालांकि बारिश के कारण जिम जाना कम हो गया है। ऐसे में आसान से इंडोर एक्सरसाइज जैसे बर्पीज, स्क्वैट्स, पुशअप्स, लंजेस, फ्लेक्स आदि कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डोंट्स यानी कि क्या करना नहीं चाहिए। बारिश में भीगने से बचे। बारिश होते ही हमारे अंदर का बच्चा भीगने के लिए व्याकुल हो उठता है, लेकिन मानसून में अधिकतर लोग खुद को भीग कर ही बीमार कर लेते हैं। गले में खराश और बहती नाक की समस्या दूसरे दिन ही शुरू हो सकती है, इसलिए बारिश में देर तक भीगने से बचें। यदि आप बाहर से घर आते समय भीग गए हैं तो तुरंत गर्म स्नान करें। बारिश के दिनों में अपने साथ छाता जरूर रखें। रोड साइड स्टॉल्स पर ना खाएं। रोड साइड मिलने वाले फूड स्टॉल्स को देखकर अक्सर लोगों को भूख लग जाती है। तली भुनी व मसालेदार चीज़ें जैसे पूड़ी सब्जी, समोसे, छोले भटूरे, चाट पकोड़े लोग खाने लगते हैं। ये आपको बीमार कर सकते हैं। फास्ट फूड और स्ट्रीट स्टॉल पर मिलने वाली चीज़ों को बारिश के मौसम में खाने से आपको आसानी से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। कुछ दिनों तक सिर्फ घर का बना गर्मा गर्म खाना खाए। गीले कपड़ों में एसी रूम में ना जाए। यदि आप घर से ऑफिस जाते समय बारिश में भीग जाते हैं तो किसी भी कीमत पर अपने वातानुकूलित कार्यालय में प्रवेश ना करें। इससे आसानी से आपको बुखार, खांसी और ठंड लग सकती है। खुद को अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही अपने ऑफिस डेस्क या केबिन में बैठकर काम करें। यदि बारिश नहीं रुक रही और ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है तो अपने एक जोड़ी कपड़े साथ रख लें ताकि रास्ते में भीग भी गए तो गीले कपड़ों को ऑफिस में बदल सके।
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।